इस दिन बन रहा है विष योग, जाने क्या होगा असर। शनि धनु राशि में है, चंद्रमा धनु राशि में आ गया है। चंद्रमा और शनि साथ आ जाएं तो विष योग बन जाता है। यह विष योग 36 घंटे तक भारी रहेगा। 2 मार्च शनिवार दोपहर 12 बजे तक विष योग है। विष योग जीवन में जहर ना घोल दें। अब जीवन में सब कुछ उलटा न कर दे। पढ़ाई, एग्जाम, नौकरी, व्यापार और सेहत में इंसान की चाल बिगाड़ सकता है। एक सूखा नारियल गोले में शक्कर भर कर पीपल के नीचे रखें। - शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। - सरसों तेल दीपक जलाएं। - 8 राशियों पर विष योग का असर होगा। - 8 राशियों पर खतरा है। पढ़ाई, नौकरी, व्यापार पर खतरा आ सकता है। शत्रु या विरोधी परेशान कर सकते हैं। पैसे की तंगी होगी, कर्ज में डूब सकते हैं। वृषभ राशि पर शनि की ढैया है। कन्या राशि पर शनि की चतुर्थ ढैया है। वृश्चिक, धनु और मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। मकर और कुंभ राशि पर तो शनि ही है। ये उपाय करें। - विषयों के बाद शनिवार से चने दान करें। - शनिवार काले तिल डालकर नहाएं। - किसी गरीब को भोजन कराएं। - दवाई खरीद कर गरीब को दें। शनि चंद्र का विष योग, सेहत हो सकती है खराब। - बदलते मौसम में सेहत खराब हो सकती है। वायरल बुखार, सर्दी जुकाम से बचें। फोड़े फुंसी रोग से बचने के लिए नीम या तुलसी या सहजन का सेवन करें। 5 दिनों तक इनकी खास सब्जी का सेवन करें। नीम की पत्तियों को बैंगन में डालकर सब्जी बनाकर चावल के साथ सेवन करें। चंद्र शनि के विष योग से आएगी मुसीबत। परीक्षा खराब हो सकती है। धन की कमी हो सकती है। नौकरी व्यापार में अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। विषयों का उपाय करें। शनि मंदिर या पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाएं। चने या काली उड़द चावल की खिचड़ी दान करें और शनि मंदिर में पूजा करते रहें। शनि मंत्र का जाप करें। ओम शनिश्चराय नमः।